सेशन कोर्ट ने बुध के दिन जो वाकया हुआ, इमाम काउंसिल की तरफ से शहीदों की यादगार के पास धरना देने का प्रोग्राम था, एक पीसफुल प्रोटेस्ट था वो। उसके बाद भी पुलिस ने सख्त दफात लगाकर सख्त कार्रवाई की और उनको जुमेरात के दिन नासिक सेंट्रल जेल रवाना कर दिया गया। आज 3 दिन में ही सेशन कोर्ट ने उनको बेल दी। ये कहीं ना कहीं जमहूरी निज़ाम और जो जुडिशियरी है उस पर भरोसा बढ़ने की तरफ हमारी बात जाती है। हम हमेशा से एक बात बोले कि यार दस्तूर और जुडिशियरी सिस्टम अगर फौरन इंसाफ दे दे तो वो इंसाफ इंसाफ लगता है। इसलिए मैं सबसे पहले एडवोकेट अब्दुल अजीम खान, एडवोकेट तौसीफ, एडवोकेट खालिद यूसुफ, जो कौम मिल्लत के लिए ऐसे वाकया और ऐसे हालात शहर में हो रहे हैं, मुल्क में हो रहे हैं, ऐसे वक्त में इन वकीलों का बर वक्त खड़े हो जाना। आज ऐसा ना कि एडवोकेट अजीम खान के करीब में शादी थी औरंगाबाद में, उनके बहुत करीब में शादी थी, उसके बावजूद भी वो रुके। इसलिए मैं उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। दस्तूर बचाओ कमेटी की तरफ से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। इमाम काउंसिल, जो इमाम काउंसिल है, उनकी तरफ से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने रुक के आर्गूमेंट किया और आज उनकी बेल हो गई। ये बेल होना कहीं ना कहीं हमें दस्तूर में मजबूती की तरफ ले जाता है। हमने पहले दिन से ही, जिस दिन गिरफ्तारी हुई, सबसे पहले कहीं ना कहीं हमें दस्तूर में मजबूती की तरफ ले जाता है। हमने पहले दिन से ही, जिस दिन गिरफ्तारी हुई, सबसे पहले शान हिंद और मैंने इस गिरफ्तारी की मुखालफत की कि ये दफात इन पर नहीं लगना चाहिए थी। ये सख्त दफात हैं, जो सेशन कमेंड है ये मुमकिन नहीं है। यहाँ तक कि 153 जो बोलने पर लगती है वो दफ़ा भी उन पर नहीं लगना चाहिए थी। उसके बाद भी इन दफात को लगाया गया, मगर उस वक्त से हमने कहीं ना कहीं एक दबाव बनाया कि यार इस तरह से अगर शहर में होगा तो कल कोई भी तंजीम, कोई भी सियासी पार्टी अगर कोई पीसफुल प्रोटेस्ट करने के लिए डरेंगी। आज मालेगांव शहर के ऐसे हालात हो गए थे 12 नवंबर के बाद कि एक डर और खौफ था उसमें इस वाक़े का होना, और अगर इस वक्त भी जुडिशियरी सिस्टम सुस्त हो जाता तो लोगों में ऐसा डर और खौफ बढ़ जाता जो कि जमहूरी निज़ाम में अच्छी बात नहीं मानी जाती। आज कहीं ना कहीं जमहूरी निज़ाम और दस्तूर की जीत हुई है। मैं मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं शान हिंद निहाल अहमद का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। इमाम काउंसिल के जो लोग भी, अलीम फलाई, इब्राहिम इनकलाबी, जो हर वक्त डटे रहे, इनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और जो शहरियान इनके लिए फिक्रमंद थे, क्योंकि 3 दिन से मुसलसल लोग पूछ रहे थे। कल दस्तूर बचाओ की मीटिंग भी हुई, हमने एतवार के दिन रात में 8:30 बजे से 10 बजे तक पुलिस से नाराज़गी बताने के लिए जो बात रखी है उस पर हम अभी भी कायम हैं कि हम पुलिस की इस तरह की कार्रवाई से आज भी नाराज़ हैं।